दोस्तों, एक व्यूअर्स ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि पैन कार्ड को कैसे पता करें कि हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट नंबर में लिंक है या नहीं लिंक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लाइव विद प्रूफ दिखाऊंगा का बैंक ऑफ बड़ौदा के पी ओ बी ओ एप्लीकेशन से कैसे पता करोगे, कैसे चेक करोगे कि आपके बैंक अकाउंट के साथ में आपका पैन कार्ड लिंक है या नहीं लिंक है। साथ में ये भी बताऊँगा कि आप अपने अकाउंट की सारी डिटेल्स देख सकते हैं, तो जिसमें आप अपना अकाउंट नंबर देख सकते हैं, अपना आईएफएससी कोड देख सकते हैं, आपके अकाउंट के साथ में आपका नेम नहीं रजिस्टर है या नहीं रजिस्टर है, आपके अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग रजिस्टर है या नहीं रजिस्टर है, आप अपना अकाउंट कब ओपन कराए थे, आप अपना एड्रेस पूरा देख सकते हैं, यानी कि आप अपने अकाउंट की सारी डिटेल्स देख सकते हैं पी ओ बी ओड के अंदर। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मान लो कि अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल यूनियन बैंक या तो स्टेट बैंक में है और आप उसकी डिटेल्स देखना चाहते हैं कि उस अकाउंट में पैन कार्ड लिंक है या नहीं लिंक है, सारी डिटेल्स आप देखना चाहते हैं, तो भी आप पी ओ बी ओड के अंदर उस डिटेल्स को देख सकते हैं। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपको पी ओ बी ओड के अंदर में अदर बैंक अकाउंट को यानी कि स्टेट यूनियन किसी भी बैंक अकाउंट को पी ओ बी ओड के अंदर ऐड करना होगा, उसके बाद उस अदर बैंक अकाउंट की डिटेल्स आप पी ओ बी ओड के अंदर देख सकते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाऊंगा। अदर बैंक का डिटेल्स दिखाऊंगा और पी ओ बी ओड की पूरी डिटेल्स आपको अकाउंट का दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में आपको लाइव सब कुछ दिखाने वाला हूं, तो वीडियो पसंद एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहां पे मैं पी ओ बी ओड एप्लीकेशन को यहां से ओपन कर दे रहा हूं। ओपन करने के बाद में यहां पे मैं अपना लॉगिन पिन या तो बायोमेट्रिक्स में लॉगिन हो जाइए। उसके बाद आपको यहाँ पर व्यू ऑल अकाउंट इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मेरा 37 अकाउंट है, यानी इसमें मैं दो अदर बैंक अकाउंट को ऐड किया हूँ, तो यहाँ पे 37 अकाउंट देखने को मिल जा रहा है। इसके ऊपर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अकाउंट देखने को मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे मेरा बी ओ बी ओड का है बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर, यहाँ पे मैंने यूनियन बैंक और स्टेट बैंक को भी इसमें ऐड किया हूँ। चलिए मैं यहाँ पर क्लासिक पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर तीनों अकाउंट हमको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का पैन कार्ड नंबर दिखा देता हूं कि इसमें पैन कार्ड लिंक है या नहीं लिंक है इस अकाउंट के साथ में। तो आपको इस अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, फिर से आपका नाम अकाउंट नंबर आ जाएगा, आपको इस एरो पे क्लिक करना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं योर अकाउंट डिटेल्स, आपके अकाउंट का यहां पर डिटेल देखने को मिल जाएगा। इस डिटेल्स को आप चाहे तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, और आप इस अकाउंट का डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू मोर डिटेल्स इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो अब जो है यहाँ पे आपके अकाउंट की सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी जो यहाँ पर एक्टिव है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं आपका अकाउंट नंबर, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, और यहाँ पर आपके अकाउंट के साथ में यहाँ पे नेम नहीं रजिस्टर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, आपका यहाँ पे डेबिट कार्ड का डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, आपका एड्रेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगा जो इस अकाउंट के साथ में लिंक है, यहाँ पे आपका ब्रांच देखने को मिल जाएगा, इस अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग भी रजिस्टर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आपका यहाँ पर पैन नंबर भी पूरा देखने को मिल जाएगा, आपका आधार नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपका अकाउंट ओपनिंग डेट भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिस डेट को आपने इस अकाउंट को ओपन किया था उस डेट भी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपका कस्टमर आईडी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपका आईएफएससी कोड देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे माइक्रो कोड भी आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे अकाउंट आपका स्टेटस एक्टिव है, यानी कि इस अकाउंट की सारी डिटेल्स आप यहीं से देख सकते हैं। और इस और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसको मैंने ब्लर किया हूँ अपने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो आप जो है बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर का सारे डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए मैं इसको बैक करता हूँ और अदर बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आपने बैंक ऑफ बड़ौदा की सारी डिटेल्स आपने देख लिया है, अब मैं यहाँ पर यूनियन बैंक या तो स्टेट बैंक किसी को एक सिलेक्ट करके उसकी सारी डिटेल्स आपको दिखाऊँगा। इसमें क्या होगा कि आपको पी ओ बी ओड के अंदर में अदर बैंक अकाउंट को सबसे पहले ऐड करना होगा, उसके बाद ही आप पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं स्टेट बैंक को ऐड किया हूँ, स्टेट बैंक को ओपन कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा और आप ये देख सकते हैं योर अकाउंट डिटेल्स, आपकी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। फिर भी इस अकाउंट का डिटेल्स अगर आप चाहते हैं यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं या तो शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू मोर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर भी देख सकते हैं अदर बैंक अकाउंट की, जैसे यहाँ पर कस्टमर आई डी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपका नाम देखने को मिल जाएगा, आईएफएससी कोड देखने को मिल जाएगा, जीरो बैलेंस है, और आपका यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपका एड्रेस पूरा देखने को मिल जाएगा, ईमेल आईडी जो भी लिंक है वो आपको देखने को मिल जाएगा,
यहाँ पर आपका पेन नंबर भी देखने को मिल जाएगा। तो सारे डिटेल्स आप अदर बैंक का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है पीओ व्यूअर एप्लीकेशन से आप चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट के साथ में पैन कार्ड लिंक है या नहीं लिंक है, और सारे डिटेल्स आप देख सकते हैं। और आप जो अदर बैंक अकाउंट की भी डिटेल्स आप देख सकते हैं, जैसे पैन कार्ड लिंक है कि नहीं लिंक है अदर बैंक अकाउंट में, सारा डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको लाइव सब कुछ दिखा दिया हूँ। तो आई होप दोस्तों को पसंद